2024 के आम चुनाव में लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देने और मजबूत चुनावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस प्रयास में यूटी चंडीगढ़ के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर विजय एन जेड की अध्यक्षता में आज यूटी गेस्ट हाउस सेक्टर 6 चंडीगढ़ में चंडीगढ़ रेजिडेंट एसोसिएशन वेलफेयर के विभिन्न RWA के प्रतिनिधियों के साथ सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कार्यक्रम के तहत एक बैठक आयोजित की गई। RW के साथ इस सहयोग का उद्देश्य जागरूक मतदाता की संस्कृति को बढ़ावा देना, निवासियों को चुनावी प्रक्रिया और मतदान के महत्व के बारे में ज्ञान के साथ सशक्त बनाना और जागरूक मतदाता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका को बढ़ावा देना है। CEO UT चंडीगढ़ ने RWA के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने समाज के निवासियों को 4 मई 2024 से पहले वोटर हेल्पलाइन ऐप या ECI के वोटर पोर्टल के माध्यम से अपने वोटों को सत्यापित करने के लिए प्रेरित करें। यदि कोई निवासी अभी भी मतदाता सूची में नामांकित नहीं है तो वह मतदाता हेल्पलाइन ऐप ECI के मतदाता पोर्टल के माध्यम से फॉर्म 6 ऑनलाइन भर सकता है या 4 मई 2024 से पहले संबंधित ERO कार्यालय में अपने बूथ लेवल अधिकारी को अपना फॉर्म सौंप सकता है, क्योंकि यह नए वोट जोड़ने के लिए फॉर्म 6 जमा करने की अंतिम तिथि है। बेसिकली जो आज एक मीटिंग है RWS के साथ इंटेंशन ये है कि आपने हमने सारी तैयारियां कर ली और चंडीगढ़ में अगर आप लेगेसी देखोगे तो हमारा टर्नआउट भी अच्छा है, 70% था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई लॉ एंडर इशू कर ही दिया, पिछले बार नॉट अ सिंगल FIR जो मैंने इशू किया। तो इस बार हमने कोशिश की कि जो 70-70% है इसको भी हम लोग लिमिट करें, चाहे अर्बन आबादी का जो कंसेप्ट है आपने जाना होगा कि मेजर जो बड़े सिटी है वहाँ पे टर्नआउट बहुत कम होता है, उस हिसाब से चंडीगढ़ में बढ़िया है, लेकिन वी कमिटेड टू बेटर परफॉर्मेंस ऑन द लास्ट। तो जस्ट टू ब्रिज की हमने वेरियस लेवल पे एक्टिविटीज ले ली, लाइक चाहे गवर्नमेंट साइड से फिर नॉन गवर्नमेंट साइड से। गवर्नमेंट साइड से हमने जैसे सारे एम्प्लॉयज़ को हमने डिपार्टमेंट्स को टेकअप किया था कि हर एक ने अपना चेक कर लेना चाहिए कि वो पानी के लिए मिलेगी। ब्रॉडली आपको पता है कि वो चेक करना बड़ा इजी बात है कि अगर आप ECI.gov.in पे जाओगे, वेबसाइट पे जाओगे, तो आप पे तीन चीज़ों से आराम से अपने वोट देख सकते हो, चाहे अपना नाम डाल दो उसमें, डेट ऑफ बर्थ साथ में डाल दो या आपका EPIC का नंबर डाल दो। थर्ड, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आराम से, जैसे मेरा मोबाइल लिंक है तो मैं मेरा मोबाइल नंबर डालते ही मेरा सारा डिटेल्स आ जाएगा, कौन सा बूथ है, कौन से नंबर पे वगैरह। तो पहला जो हम लोग हमेशा देखते हैं, आप ये देखते होंगे कि एज अ लास्ट मोमेंट ऑन द बूथ कि मेरा वोट रह गया, मेरा तो प्रीवियस इसमें था 5 जनवरी के डेट में था, अब नहीं है। तो मेरी आपके द्वारा यही रिक्वेस्ट है कि अभी से वेबसाइट पर जाके ऐप डाउनलोड करके वो देख लें कि अपना वोट है कि नहीं है। तो अभी भी हमारी 4 तारीख तक की मौका है, क्योंकि 4 तारीख में 10 डेज बिफोर द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन, तो उस हिसाब से हमारा 4 तारीख है। तो मेरी आपसे आग्रह रिक्वेस्ट है कि आप एक बार रिक्वेस्ट करके सारे लोग इस पर वो बनाए, पर्टिकुलरली बाद में मौके पे ये ना हो कि हमने तो देखा था बाद में कैसे डिलीट हुआ, जो भी डिलीट का प्रोसीजर है वो ऑलरेडी खत्म हो गया। देरी से जो जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उसके बाद डिलीशन का जो फॉर्म्स आए पर्टिकुलर डेट के तारीख तारीख डिस्पोज कर देते हैं, जो हमने कर दिए थे। हमारा टेन्योर बहुत लंबा है, तो 7 मई को हमारा इलेक्शन है, 1 जून को हमारा इलेक्शन है, तो इस दौरान भी वोट बन सकते 4 मई को। तो कोई किसी का अगर किसी कारण से किसी कंप्लेंट से कट गया या अपसेट पहुँच गया है जो भी हो, शिफ्ट हो गया, अगर उसको है तो जरूर बताएं कि बाद में मौके पे ना हो कि हमारा वोट नहीं है। सेकंडली आपको रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ पे बहुत बार या कंप्यूटर जो VIP या जो क्या कहते हैं पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना जो बंदे जो कैंडिडेट्स है या फलाना है वो जरूर अपना वोट देख ले, लेकिन मौके पे कोई इशू ना आए। दूसरा, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को ये भी कहा कि एक जिम्मेवारी भी ले लो कि अपने जो अपना ही वोट ना हमने अपने परिवार का भी देख लें। और हर एक HOD को कहा कि रिटर्न में भी गया दोबारा हम लोग मिल रहे कि क्योंकि आप देखो कि हमारे इसमें बहुत सारे चंडीगढ़ के, बहुत सारे हरियाणा के, पंजाब के हमारे लोग हैं, तो कहीं हो, लेकिन हमने कोशिश किया कि जितने लोग वोट बनाने में तो जरूर बनाए, जरूरी बनाने के बाद अब सेकंड जिम्मेवारी बनेगी उसका वोट डलवाएंगे। तो इसी तरह BLOs ने अपने जाके वोट बनवाए, साथ में भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट कैंप्स चल रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ कैंप कर रहे हैं, हमारे NSS वॉलंटियर्स हमारे हेल्प कर रहे हैं,
इस बार अगर कॉलेजेस ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, अगर आप कहो तो हम 6,800 के करीब हमारे वोट थे जो करीब 14,000 हो गए, डबलिंग ऑफ द 18-19 वाला वोट हो गया, तो इट्स गुड। ना वोट बनाने में हमने काफ़ी मेहनत कर ली है और आप लोगों ने भी जैसे कल परसों भी यूथ जा रहे थे, यूर कंट्रीब्यूशन ऑल्सो अमेजिंग है कि आप जो अवेयरनेस कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये पोर्शन कर ले। दूसरा हमने RW से आप हमारे लेबर से हमने ये भी रिक्वेस्ट की, बाकी हमारे इंडस्ट्रीज से उनको भी रिक्वेस्ट किया कि उनके जो नुमाइंदे उनके एम्प्लॉयज़ हैं लेबर्स हैं उनके वोट जरूर बनवाए। तो बेसिकली पहला फर्स्ट स्टेप इन द डेमोक्रेसी की है। पहले तो मैं आज डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती पे आपको शुभकामनाएं देता हूँ। तो सिंग विद द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट टू सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना है, तो इसे डेमोक्रेसी फंक्शन में हमारा एक इम्पोर्टेंट आज के दिन का ये रन होना चाहिए, शपथ भी लेनी चाहिए हमें कि बाकी चीज़ों के लिए हम लोग एक दूसरे को मिलते रहते हैं। इसलिए अपने कॉमन प्लेटफॉर्म है कि जो फेस्टिवल है डेमोक्रेसी के सुपुरा पार्टी से, तो सेकंड पार्ट है हमें वोट बनाया है। वोट बनाने के बाद उसको एक्चुअली टर्न आउट करना, हमारा आपको पता है बहुत लेट है, तो उस चैलेंज भी है, गर्मी का भी है, लेकिन हमने उस चैलेंज को भी हमने अच्छा हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। हमने हमारा बेस्ट एफर्ट है इस बार की जो वोटर का एक्सपीरियंस है बूथ में बहुत बढ़िया हो जाए, तो दैट इज़ द पार्ट वेयर वी, चाहे उसको गर्मी के लिए गर्मी से शेड डाल दिए, चाहे फैन लगा दिया, इन द क्यू में हम लोग बीच में टेबल चेयर लगा दें, या दो मेल फीमेल के लिए सेपरेट लाइन लगाए, इसके अलावा जो आपके PWDs है उसके लिए भी कोशिश करें उनके साथ जो भी कंपेनियन होगा उसको भी वोट हम लोग लाइन के बजाय डायरेक्टली दिलवा दें। इसके अलावा आपको पता है पेपर में भी आया जैसे कि 85+ PWDs के लिए होम वोट का भी प्रोविजन है, बट दैट इज़ नॉट अ मैंडेटरी, इट इज़ हिज चॉइस कि अगर वो कहते कि मुझे वहाँ पे करना है तो वहाँ पे जो फैसिलिटीज है उनको डेफिनेटली हम लोग देंगे। तो ब्रॉडरली ये हमारा एफर्ट्स था कि आज का कैंपेन का इनके साथ ये कि हमारे तरफ से तो हमने जो एफर्ट्स करने थे कर रहे हैं करेंगे, टर्न आउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान हमने बना लिया है, ये चीज़ बूथ को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, अभी टारगेट करें नियर द पोल के टाइम पे तो हम लोग घर में नॉक करेंगे कि एक दिन पहले दो दिन पहले कि आपने जाना है, और हम ऑन द डे ऑफ पोल हम लोग मोबालाइज करेंगे, ऑन द डे ऑफ पोल हम लोग जो आपको रिपोर्ट करते हैं घंटा दो घंटे की रिपोर्टिंग होती है उस टर्नआउट हम लोग देखेंगे कौन सा एरिया में टर्नआउट कम है, तो वहाँ पे हमें अपनी टीम को मोबालाइज करना है, वॉलंटियर्स को मोबालाइज करना है, सो दैट हर घर से हम लोगों को मोबालाइज करें। पेपर में आपने पढ़ा होगा हमने ऑन द डे ऑफ पोल हॉलीडे पेड हॉलीडे डिक्लेयर किया है, वो लेबर के लिए भी है जो ऑक्सोज एम्प्लॉइज के लिए, तो सो दैट वो उनको प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि उस दिन पेड डे होने के कारण आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्रॉडरली हमारे एफर्ट्स पूरा है, आज इनके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी टीम भी इनके एक छोटे छोटे यूनिट के साथ बैठेगी, आज तो ब्रॉडरली हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में आप जैसे तहसीलदार रहेंगे VL या हमारा AR रहेगा वो उनके साथ सेपरेट मीटिंग करके उनके उनसे फीडबैक लेंगे कि हाउ टू गो अबाउट, जरूरी नहीं हमने सारे एफर्ट्स के वो पूरे अब कुछ एफर्ट्स हमारे होंगे कि ज़्यादा बढ़िया मोबालाइज करें इस तरह से। दिस द वे आर ट्राइंग टू मोबालाइज मोर देन 75% टारगेट हमने 75 रखा है, बाय 75 लेट्स हैव 100 तक एटलीस्ट हम लोग जाए कमिट करें यार, अगर आप इतने जो बैठे हैं आप भी खुद कमिट कीजिए, मैं 3 बंदे को साथ में ले आऊँगा, आपके फैमिली को तो किसी को नहीं हम लोग मनाने का मैं ये नहीं करेंगे जाना ही नहीं करेंगे, तो दैट्स इज माई फ्रॉम साइड कि आपका कोई कभी पीछे हमारे टाइम पे तो बता दीजिएगा कि वी अश्योर दैट देयर विल बी फ्री इलेक्शंस, वी अश्योर दैट देयर विल बी फ्री फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज आल्सो, वी आर वेरी वेरी सीरियस एंड वेरी हार्श, विल बी वेरी हार्श लिमिटेशंस, देयर इज नो डाउट एंड देयर इज नो डिस्क्रिशन व्हाटसोएवर टू एनीबडी, तो इंस्ट्रक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शन वेरी क्लियर है, देयर इज नो डाउट, वी आर ऑलवेज रेडी टू क्लैरिफाई सर्टेन थिंग्स इफ वी हैव सर्टेन डाउट्स, एंड कांस्टेंटली हमारा क्योंकि हमारा लास्ट फेज में तो हमारा लर्निंग्स भी फर्स्ट फेज से लेकर 6th फेज जो भी लर्निंग्स होगा उसके लर्निंग के बेस पे विल विल यूज दैट 7 तारीख को बढ़िया तरीके से, दैट इज द ओनली आई थिंक प्लान टू हैव टुडे, वी आर जस्ट स्टार्टिंग द बिगिनिंग द कैंपेन टू टू एक्सपेडाइट, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, वी आर जस्ट ट्राइंग टू एनहांस आवर एफर्ट्स, थैंक यू सो मच। सर लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने की, कोऑर्डिनेशन क्योंकि ट्राई सिटी का पार्ट है पंजाब हरियाणा हिमाचल, किस तरह से कोऑर्डिनेशन मीटिंग आपकी
की जा रही है दूसरे स्टेट के साथ, कि किसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो? बेसिकली ऐसा है कि हमारे जितने भी रस्ते हैं, हमारे रोड्स है, हमने क्या किया, प्रेजेंटली 18 टीम्स हमारी मान ली, 18 पुलिस की टीम्स है जो डिफरेंट नाकाज हो रहा है। इसके अलावा SSP ने और DC साहब ने दोनों, वैसे एक बार मेरे पे भी ट्राई सिटी के DC और SSP की मीटिंग हो चुकी है, इन्होंने भी अपने जहाँ पॉइंट्स अगर खुले हैं तो अदर साइड पे वो अपनी टीम्स बनाए। इसके बाद हमारा फेज अभी काफ़ी टाइम है, उसके बाद हमने रीएनफोर्स होगा, जैसे हमारे फोर्स मिलेगी और या फोर्स भी हो जाएगी, तो जो भी बाकी पैरास है वो हो जाएगी। और सेकेंडली हमारा एक इंटरनल ग्रुप है, तो थोड़ा सा भी हमें कहीं पे वायलेशन होता है तो हमें इंटरनल हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं कि टीम में कोई मिल के जाना है तो मिल के भी जाते हैं। बॉटली